7.3.2 परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं व उनका कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि सभी जीवों के शरीर में जैविक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी पदार्थों एवं जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है। मनुष्य के शरीर के रक्त वाहिनियों के बारे में हम जानते हैं, इसी प्रकार पौधों में विभिन्न प्रकार की नलियों की व्यवस्थाएं हैं। पुष्पीय पौधों में हम इन नलियों की विशेष व्यवस्थाओं का अवलोकन कर सकते हैं। पिछले साल हमने पढ़ा था कि पौधों में जाइलम व फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं, जिनसे मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है। पौधों के परिवहन संबंधी ऊतक अर्थात संवहन ऊतक जड़ों में अंदर की तरफ होते हैं तथा तनों में बाहर की तरफ। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में परिवहन संबंधी ऊतक तने व जड़ में विशेष घेरों में पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पौधों में यह पूरे जड़ या तने में बिखरे हुए नजर आते हैं। जड़ और तने के अलावा पत्तियों, फूलों, फलों आदि में भी परिवहन संबंधी ऊतक पाए जाते हैं। जड़ से पानी में घुलकर कई प्रकार के लवण व नाइट्रोजनी पदार्थ जाइलम द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुँचते हैं। जाइलम में पदार्थों के परिवहन कई प्रकार से होते हैं। एक तो जड़ की कोशिकाओं की तुलना में मिट्टी में पानी ज़्यादा होने से परासरण द्वारा पानी जड़ों की कोशिकाओं में आ जाता है। आम तौर पर पौधों के रंध्र व पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कई पौधों से काफ़ी मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है। इनमें वाष्पोत्सर्जन के कारण जाइलम की नलियों में अवकाश होने से खिंचाव बढ़ता है व पानी बहुत जल्दी जड़ से अन्य भागों तक पहुंचता है। फ्लोएम ऊतक की अधिकांश कोशिकाएं जीवित हैं और उनके जरिए पानी में घुलित अन्य पदार्थ जैसे शर्कराएं, अमीनो अम्ल आदि का परिवहन कई बार जीवित कोशिकाओं से ऊर्जा की मदद से होता है।